मैंने पूछ लिया कैसा कितनी बार होता, बोला दिन में कई बार होता है और ऐसे ही चीखता है वो। ठीक है दिखा होगा आप लोगों ने, सॉरी सॉरी, अच्छा ठीक है अपनी रिकॉर्डिंग लगा दी। तो सभी सभी लोगों को नमस्कार, सभी मेंटर्स को, हमारे गुरुजीस को, सभी को ग्रेट ग्रेटिट्यूड है ना, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं और होम्योपैथी की वजह से यहाँ हम सब लोग हैं। तो ये देखो, दिस द ग्रेट अपॉर्चुनिटी बीइंग अ होम्योपैथ, वी हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डील विद द पेशेंट। ठीक है, एलोपैथी में नहीं है इतना, हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। दैट्स वाई वी आर वैल्यूएबल, ठीक है, एक्सक्लूसिव इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो बिकॉज हमारे पास इतना है कि हम कर सकते हैं, बट करने के लिए हमको चाहिए, ठीक है, हमारे को चाहिए कि उतना डेडिकेशन, जैसे आप लोगों का डेडिकेशन है, नो डाउट, लगे रहे लगे रहे। ठीक है, मेडिसिन एक्सप्लोर किया, दिस इज इम्पोर्टेंट, मेडिसिन आए एंड आए, दिस इज, क्योंकि जब एक बार जाएंगे नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार में आ ही जाएगा मेडिसिन, और किसी ने क्रैक कर लिया है, दैट्स गुड। तो ये जो छोटा सा केस था, तो ये कहीं बाहर का पेशेंट था उसके, तो वो ऑलरेडी देख रहे थे उसको, है एलोपैथ होम्योपैथ दोनों, नहीं हुआ ठीक बच्चा। फिर उसके बाद इसका कॉल आता है मेरे पास कि ये प्रॉब्लम है इस बच्चे को, रोए जा रहा है। तो जब वो रो रहा था तो बहुत, मतलब बहुत गंदा वीपिंग था उसका, मतलब है ना, इतना बहुत ज्यादा स्ट्रीकिंग, बच्चे ऐसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, मतलब आप समझ सकते हो उसके कितना पेन होगा बच्चे को। ठीक है, तो अभी उसको मेडिसिन, फिर मैंने पूछा कि कैसे रो रहा है, कब रो रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ। तो बोला कि ऐसे कई बार होता है उसको, गैस का प्रॉब्लम। तो मैंने पूछा कि गैस, आपको कैसे समझता है कि गैस है। ठीक है, तो बोला कि जब फ्लैटस पास करता है, मतलब आवाज सुनता होगा वो, तो बच्चा बेटर हो जाता है। और ये 2-4-5 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे रहेगा, फिर वापस गैस बन जाएगा, फिर वैसे ही रोएगा। तो ऐसे करीब 20 से 25 एपिसोड होते हैं उसके दिन के, यही चल रहा था उसको, और ये 40 डेज का हो चुका है, और ये जब से हुआ है तब से ऐसा चल रहा है इसको, है ना। तो ये बस इतना सा केस था, बस वही हमको, जैसे आप लोग ढूंढ रहे थे वैसे मैंने भी ढूंढा और मेडिसिन दी, और वो एक डोज में ही उसका 70% बेटर हो गया है। और उधर एक्चुअली मेडिसिन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पोटेंसी बराबर नहीं मिल पाई, तो उसको फॉलोअप था कि काफी बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी रोता है कभी कभी। तो मैंने बोला उसको 200 दे दो एक डोज और, तो 200 अब वो दिया है, उसके बाद टोटल फिनिश हो गया उसका मामला। ठीक है, तो ये छोटा सा केस था। तो देखिए, ये छोटा छोटा की, मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि ये छोटा छोटा सा की कैन ओपन बिग लॉक, छोटा सा, छोटी सी हमारी दवाई, छोटी सी एफर्ट कितना बड़ा काम कर सकती है कि नहीं। तो ये छोटा सा केस था। तो इसको आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आज जल्दी हम बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि छोटा केस ही है हमारे पास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बताइए आप लोग। तो नहीं, जी मैम, गुड इवनिंग, बताइए। मुझे क्रियोसोट लग रहा है ये घर की। अच्छा, कैसे? तो आवाज बहुत कान में लग रहा है। मैं अभी अभी हाल में एक 30-40 दिन का बच्चा को, 30-40 दिन भी नहीं, 10-15 दिन ऐसे ही पूरा वो रोता था, हाथ पैर, मतलब तो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, वो पूरा शरीर को ऐंठता था एकदम पूरा, और सीना से वो ठीक हुआ था, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट, वो एंग्विश दिख रहा था इसको। मुझे ये सीना या क्रिजोट लग रहा है दोनों में से, और वीपिंग इतने कानों में लगता है ना, कि लगता है यार जल्दी तुम ठीक हो जाओ, चुप हो जाओ। तो आपने फील लिया है, रूब्रिक लिया मैम? मैंने फील लिया, ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए और कोई बताएंगे?
बताते जाए फटाफट। हेलो, इत्तू सा केस है, इसको जल्दी हैंडल करना है, नहीं तो बच्चा रोता रहेगा। हेलो, रंजीत सर नमस्कार, वेलकम। जी मैम बताइए। हाँ सर एक तो क्राइम किस सर बताएं, एक सेकेंड मैम। बच्चे को ज्यादा रुलाना नहीं चाहिए, जल्दी मेडिसिन दे दो। हाँ जल्दी दे दो मेडिसिन, है कि नहीं। और ये देखिए, ये डिपेंड करता है अपनी एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है, और राइट डायरेक्शन में। तो हम ऐसे भी ठीक कर, ऐसे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ मैम बताइए, कौन बोल रही थी। यस सर, सर हिज क्राइंग इज इंसेसेंट, नॉन स्टॉप रो रहा है ये, एंड सर इट इज वेरी पिटिशियस क्राइंग, मतलब उसको देख के बड़ा दुख हो रहा है कि इतना उसको दर्द हो रहा है. उसकी जो रोने की आवाज है वो काफी शार्प है, तो और मतलब अब ये तो वीडियो में दिखा नहीं कि कुछ कैरी करने से या किसी भी तरीके से उसको आराम मिल रहा है क्या, क्योंकि बस वो लेटा हुआ है. तो मतलब इतनी टीशियस क्राइंग है और इतना पेट में उसको प्रॉब्लम है, तो मुझे कैमोमिला लग रही है. ठीक है, राइट सोच रही हैं, बढ़िया बढ़िया। और सर इस केस में स्ट्रीकिंग बहुत मार के, मतलब मैं चिल्ला रहा है ना, अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ चिल्ला रहा है, तो बिल्कुल ये हाँ, हाँ. अब अभी इस छोटे बच्चे में स्ट्रीकिंग फॉर हेल्प लेना या एड लेना चाहिए कि नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है. तो ये मेरे दिमाग में आया था कि वो स्ट्रीक इसलिए कर रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द को प्रेजेंट करने के लिए वो स्ट्रीकिंग है उसके अंदर. तो ये एक चीज मार्क है, और दूसरा फ्लैटस पासिंग है मेरा रेशन, तो मेरा काली कर्ब मेरे दिमाग में आ रहा है सर. कालिका पर अगर हाँ, बहुत पर स्ट्रीकिंग फॉर बढ़िया। हेल्प लेना चाहिए नहीं, ये आप बताएंगे सर कि छोटे बच्चों में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. ठीक है ठीक है, अभी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया सोचा मैम। हाँ और हेलो, हाँ और कोई बोलेंगे। हाँ सर, जी सर बोलिए। सर एक्चुअली रूम जैसा भी लग रहा था, कोनिक पेन रियूम वगैरह है जैसा। तो. हाँ 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 एक्चुअली स्ट्रीकिंग है और एवरीथिंग भी कर रहा है, मतलब कितना ज्यादा इसको कर रहा है तो मतलब रूम जैसा भी लग रहा है. ठीक है ठीक है। और बताइए। हेलो जी सर जी बताइए सर। सर नमस्ते. मेरा इसमें कुप्रम का लग रहा है मुझे, व्हीपिंग इंसेंट. एक और सर इसमें एक रूबिक बनता है सर, व्हीपिंग लाउड तो है ही सर, मैं बता रहा हूँ. व्हीपिंग एब्डोमिनल पेन सर, उसमें एक रूबिक है जी, कुप्रम लग रहा है मेरे को. क्यूप्रम। आपने कौन सा रूब्रिक देखा सर। वीपिंग इंसेसेंट लगातार रो रहा है सर, और हाँ वीपिंग वीपिंग एब्डोमिनल पेन विद, ऐसे करके एक रूपी के सर, एब्डोमिनल अच्छा फॉल. हाँ, तो उसमें आपका क्यूप्रम आया। बढ़िया सर बढ़िया। चलिए और कौन बताएंगे। बोलिए फटाफट, ये समझिए आपके क्लिनिक पर बच्चा आया है।
अरे इस केस में दिमाग लगाने का था ही नहीं कुछ, तो जितना छोटा केस हो उसमें उतना ही कम दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं? सर लैक्टन भी हो सकता है ना कैसे? सर वीकिंग कंटिन्यू कर रहा है ऑलवेज, अगर वो रुब्रिक लेते हैं तो लैक्टन भी आता है। लेकिन वीपिंग कंटिन्यू ऑलवेज माइंड श्रेणी चिल्ड्रन ऑलवेज, हाँ माइंड वीपिंग चिल्ड्रन इन माइंड वीपिंग चिल्ड्रन नर्सिंग व्हेन नर्सिंग वैन, ये सब आपने केस सुना है ना, तो ये सब डेटा ही नहीं था ना ये तो। हाँ नर्सिंग का नहीं देखा, उसमें सिर्फ ये कब रोता हूँ कब ठीक हो जाता है इतना ही था। तो ये उसके एपिसोड थे ना, उसके एपिसोड होते थे बहुत फ्रिक्वेंटली एपिसोड होते थे। और कौन बताएंगे? शेकिंग हेलो, हेलो सर। जी सर सुनाइए। नेट्रम फास्ट सर हमने लिखा है बाद में, फील वाइज, बाकी आप एक्सप्लेन करेंगे सर अगर करेक्ट है तो। तो हमको भी तो सुनाइए फील नेट्रम फास्ट का, हमको नहीं पता नेट्रम फॉल का फास्ट का फील। सर मैंने ऐसा पे टीडा बोला था, आपने उसके लिए लाई नहीं दिया है। ऐसा फर्टिडा बोला है मैंने, वो क्रैम्पिंग पेन है ना बच्चे में। हाँ वेरी गुड। क्रैम्पिंग पेन है, मैं ट्रेमेडिका से गई थी मतलब एंट्री किया मैंने, क्रैम्पिंग पेन इन्फेंट्स में इंडिकेटेड है और बेटर बाय पासिंग फ्लैटस है उसका, और क्रैम्पिंग पेन है इसलिए वो ऑन एंड ऑफ रो रहा है बच्चा। ये क्रैम्पिंग पेन तो है, सही पकड़ा है आपने। दूसरा थॉट क्यूप्रम का भी आ रहा था, वही क्रैम्पिंग पेन्स के लिए, तो श्रिंकिंग हाँ। कर रहा है बच्चा ऐसे, तो ऐसा फर्टिडा और क्यूप्रम मुझे लगा। चलिए बढ़िया है बढ़िया है, पर और सोचिए आप बैठ के तब तक। ओके सर। हाँ और बताएं। मैंने सल्फर सोचा था, मैं एक्चुअली न्यू किड्स का कुछ तो भी ढूंढ रही थी, तो उसमें नर्सलिंग्स वर्ड्स मुझे मिला, तो वो नर्स करते हैं आफ्टर बीइंग बोर्न, मदर की मिल्क पीता है, तो उसमें से शायद उसको वो दूध पच नहीं रहा होगा इसलिए गैसेस हो रहे होंगे, वो सोच के मैंने फिर वो एब्डोमेन पेन चिल्ड्रन इन नर्सलिंग्स में क्रैम्पिंग पेन इन द एब्डोमेन, और श्रीकिंग ऑल्टरनेटिंग विथ एक्चुअली इट शुड बी पीसफुल, पर वैसे कुछ नहीं मिल रहा था, इंडिफरेंस मिला, इंडिफरेंस राइट वर्ड तो नहीं लग रहा है पर और कुछ मिल नहीं रहा था ऑल्टरनेटिंग, ये और फ्लैटस पासिंग एमिलरेट्स ये लेके सल्फर आया। सल्फर सल्फर फेल हो गया था मैम, मेरा एक ही ड्रग फेल हुआ था, फर्स्ट मैंने यही दिया था। सल्फर था क्या? सल्फर मैंने दिया था, फेल हो गया था, क्योंकि फ्लैटस पासिंग एमिलरेट्स में तीन ही रेमेडी ना, सल्फर और कुछ कैमोमिला और सल्फर, तो वो फेल हो गया था। ठीक है और सोचिए मैम तब तक है। सर फ्लैटस मतलब प्लस एमिलोरेशन में तो लाइकोपोडियम भी तो है। हाँ होंगी ना, कई सारी ड्रग होंगी, लाइकोपोडियम ही है, यदि माइंड पे जाएंगे तो एब्डोमेन में जाएंगे तो और भी करीब बहुत सारी मेडिसिन 100 के ऊपर होंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ, इतने छोटे छोटे केसेस में ना हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको सर्च करना है। पहले तो आप अपना रूब्रिक बनाइए और उसको ढूंढिए रिपर्टरी में, नहीं मिलता है तो दिमाग लगाना है, यदि रूब्रिक मिल जाते हैं तो दिमाग नहीं लगाना है।
और यदि वो जो आपने सोचा है और वो फेल हो गया तो फिर और सोचना है। तो ऐसे जो बहुत सारी ऐसे रूब्रिक्स हैं हमारे, बहुत काम के हैं, ठीक है, बहुत काम के हैं, बट आपको ट्राई करना पड़ेगा पहले। लेकिन सही, हमको वही तो कह रहा हूं कि मतलब राइट डायरेक्शन में हमको सोचना है, नहीं तो इधर रिपटरी में तो जंजाल है, जंजाल, घूम जाएंगे, अमेजोन फॉरेस्ट है ये। सर मतलब ये रूब्रिक माइंड स्पीकिंग एब्डोमेन कंप्लेन ऑफ में क्यूप्रम इपिकैक और हायोसाइमस आ रहा है, बट आई फील लाइक क्यूप्रम का ही मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यूप्रम दे दू। क्यूप्रम नहीं है, चलिए अब कौन बोलेंगे सर? कैल्सिया का हो सकते है? कौन सी रेफेनस? आवाज नहीं आया। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, रेफेनस हो सकती है, जैसे फ्लेटस की वजह से उसको कॉलिक हुआ है। तो रेफेनस में अकेली मेडिसिन है क्या? सर नहीं, मैंने रूब्रिक तो नहीं लिया, ऐसे भी सोचा है कि शायद इसलिए तो रूब्रिक लेना है ना, जब आपके पास टूल्स हैं तो यूज करना है ना, नहीं तो इतना बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ अमेजोन फॉरेस्ट है, आप तो घूम जाएंगे, तो इसलिए वो कंपास लेके चलना है आपको, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो इस टूल का यूज करिए ना, वेरी इम्पोर्टेंट। नक्स वोमिका का भी लग रहा है, नक्स वोमिका। अच्छा, नक्स वोमिका कैसे? सर श्रीकिंग चिल्ड्रन इन कॉलिक विथ, अगर ये रूब्रिक लेते हैं तो नक्स कॉलिक विथ, तो अकेली नक्स वोमिका है क्या? नहीं सर, इसमें चैमोविला भी है, बट एज यू से चैमोविला। फिर हेलो सर। जी मैम बताइए। हाँ सर, फ्लैटस पासिंग एमरेट श्रीकिंग एब्डोमेन विद कंप्लेंट ऑफ श्रीकिंग चिल्ड्रन इन कोलिक विथ लिएटो चैमोमिला क्यूप्रम नक्स वोमिका आ रहा है। तीनों की गई भैंस पानी में। तीनों, हाँ अभी बताएंगे ना, और सोचिए तब तक, ठीक है सर। कोलोसिन हो सकती है, वो तो कोई भी सकता है, आप कारण बताइए। कोलोसिन पेन, डिलेरियम पेन विथ है, और एक एब्डोमेन पेन चिल्ड्रन इन न्यू बॉर्न, इसमें कोलोसिन है सर। कोलोसिन भी नहीं है, ये नहीं है सर, ये कार्बोवेज है। कैल्केरिया कार्ब सर? नहीं, कैल्केरिया भी नहीं। सर कार्बोवेज वीपिंग एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन फ्लैटस एमलरेशन क्रैम्पिंग पेन, सो कार्बोवेज आ रहा है, सो ऐसा फील नहीं आ रहा कार्बोवेज वाला, इतना फील पे नहीं जाना है, इतने बच्चे में क्या फील देखेंगे आप? ठीक, मैंने बताया कि जो छोटा सा केस है ना, छोटे केस में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, सीधा सोचना होता है। कार्बोवेज नहीं है सर, बेलाडोना। डिस्क्लोज करिए सर, हो गया ऐसा वीडियो देखने के बाद? हेलो, सुनता है लेकिन वो खामोश है। वीडियो देखने के बाद सर दो बात, एक सेकेंड, हाँ कोई बोल रहा है, कोरा सर बोल रहे हैं। वीडियो देखने के बाद दो बातें, एक तो नहीं, चलिए पूरा सर, पूरा सर कुछ कह रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ पूरा सर बोलिए। पल्सेटिला बोल रहे हैं सर, वीपिंग पीटीएस, पीटीएस वीपिंग, हाँ ब्रायनिया सर, ब्रायनिया, हाँ नहीं है ब्रायनिया बेचारा, सेना,
सेना है सर, सेना यही तो दिक्कत है ना, वैसे में तो पूरी दिपत्री आ जाएगी नहीं आ जाएगी और आप घूमते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला, मरीज भाग जाएगा सर। सेना है कुछ कह रही है राणा मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, मुझे ऐसा लग रहा है अभी एबीसीडी के मुताबिक ये शुरू करेंगे, एकोनाइट से शुरू करके जेड पे जाएंगे सब लोग। इसीलिए तो इसका जरूरत ही नहीं है ना, ये हम यही सीख रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा टूल है हमारे पास ये रिपर्ट्री, ठीक है, ये बड़े 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 चमत्कार कर सकती है, बट हाउ टू यूज दिस टूल, दिस इज योर आर्ट, ठीक है। और जो हम सीख रहे हैं ना, हाँ सर, सर इसमें आपने बताया कि बच्चे को, उसके फादर ने बताया कि जब बच्चे को गैस बनती है तो रोता है, गैस पास हो जाती है तो इसको आराम लग जाता है, तो क्या है जैसे है वीपिंग सिक ड्यूरिंग ओनली, तो इसमें एथुजा हो सकता है, वीपिंग सिक ड्यूरिंग, तो सिक बड़ा रूब्रिक है ना। अच्छा सर, अरे हमको बंदूक निशाने पे लगानी है। अच्छा मना कर दिया ना। ओके सर, ये तो एलियन चेपा तो नहीं, एलियन चेपा नहीं, अरे रेमेडी इतनी सारी है कि आप कुछ भी बोलेंगे, पर आप पॉइंट से जाइए ना। मैं बता रहा हूँ दो चीजें जो मुझे समझ में आ रही है जो वीडियो देखने के बाद, एक तो इसकी इंटरमिटेंसी ऑफ क्राइंग और दूसरा क्या पीटीएस कराएंगे, मतलब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, मतलब बहुत पीटीएस लग रहा है और इंटरमिटेंसी है इसकी, इंटरमिटेंसी वाला इंटरमिटेंसी ये होता है कि आपका फीवर आया दो घंटे रहा फिर चला गया, फिर फीवर आया ठीक है फिर चला गया, तो यहाँ मामला ही कुछ और है ना, वो इंटरमिटेंट ना, बच्चा घूम रहा है इंटरमिटेंट, थोड़ा सा रो के फिर चुप कर जा रहा है फिर रो रहा है। हाँ, क्यों रो रहा है, क्यों चुप हो रहा है? हाँ तो उसमें कुछ या तो कॉलिक का पेन हो रहा होगा इसलिए बार बार जब उठता है दर्द। हाँ बताया था ना केस बताया था, अभी फिर से नरेट किया है कि बच्चे को ना उसके फादर ने बताया इसको गैस बनता है और जब गैस बनता है तो वो रोने लगता है और जैसे निकल जाती है गैस तो शांत हो जाता है, और ये एपिसोड उसको 20-25 बार हो रहा है, तो ये तो मार्क है सर। हाँ, बस यही है केस, इतना ही सा केस है। सर मे आई स्पीक सर? हम्म, बोलिए सर। ये ओपीएम का फील है सर? हाँ नहीं, ओपीएम अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं। अरे बाप सर, जलसीमियम नहीं, काय को जलसीमियम, अब ये वो 5,000 दवाई पूरी बोल जाएंगे लगता है, इसके आसपास कोई नहीं सर, अलोन है ये इसीलिए रोता सर। ये कोई स्पाज्म वाली रेमेडी है? हेलो, हाँ देखिए नहीं ऐसे, तो मैं वही कह रहा हूँ, इवन एब्डोमेन में जाएंगे तो वही जंजाले आप फंस जाएंगे। चित्रंजन सर कुछ कह रहे हैं? हाँ सर बोलिए। ये पेशेंट तो एंग्विश में है। हेलो, दूसरा होता है कि एंजाइटी फ्लाटस विद ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लाटस विद, तो ये सल्फर जैसे लग रहा है सर। एंजाइटी सर, एंजाइटी क्यों ले रहे हैं? उस बच्चे को क्या मालूम, वो अभी 42 दिन का हुआ है, 42 डेज, उसको कोई तकलीफ है, वो बेचारा रो रहा है। थॉट आया था सर। हाँ मैम बोलिए। सॉरी नाम का फीलिंग इधर फील नहीं, कैसे पोडोफाइल, मुझे तो सीना लग रहा है। सीना नहीं है सर, ये शांत कैसे होता है सर? बताया ना, ये जैसे वो उसके फादर ने बताया मेरे को इतना, डॉक्टर साहब इसको पेट में गैस बन जाती है, मैंने पूछा कि ये रो क्यों रहा है, तो बोला कि गैस बनती है इसको, तो मैंने पूछा गैस
आपको क्या लगता है कि गैस क्यों, मतलब आपको कैसे मालूम कि गैस बनती है? पेशेंट ने बताया कि वो आवाज निकलती है ना, फ्लैटस की आवाज होती है, तो वो निकलने के बाद इसको रिलैक्स हो जाता है बस। सर एक थॉट ऐसे आया था सर कि ये बाकी कुछ मतलब फ्लैटस पास होने के बाद ही उसको रिलैक्स मतलब रोना स्टॉप करता है, बट अदरवाइज रोना स्टॉप नहीं करता है, तो कैन वी थिंक क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरी होना चाहता है क्या सर, वो उसको चाहिए क्या कि कोई उसको कैरी करे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, मतलब अब देखिए आप कैरी करेंगे, इतना इतना पेन है, इतना पेन है उस बच्चे को, देख रहे हो आप चीख से समझ रहा होगा है ना, तो उसके फादर ने तो कुछ बताया ही नहीं ऐसा, बस बोला कि तो अब सर तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं है ना। यस सर, बट कैरीड कैरी करने से भी आराम नहीं मिल रहा है, ऐसा एक रूब्रिक है सर, क्वाइटेड कैन नॉट बी। ओ ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, मे आई? English, हाँ मैम बोलिए बोलिए। English children in colic with coffee है सिंगल? नहीं है सर, नहीं coffee है। सर flatus passing ameliorate ये LUMC पे है? नहीं है सर। Excuse me sir, सर एक सेकेंड, अपर्णा मैडम कुछ कह रही हैं, बोल लेने जी। हाँ बोलिए मैम। सर आई वांट टू अटेम्प्ट, सर दिस इज If I I take the two rubrics, that is mind shrieking help for and weeping children in abdomen flatus passing amelioration, sir even I could think of HIPAR, because in HIPAR the patient is quite oversensitive to the pain, and secondly this is because of just a minute sir, and he's intolerant of suffering also, so that takes me to HIPAR also. Thank you. ठीक है ठीक है, पर HIPAR से नहीं है, क्योंकि ये जो sensitivity बताई ना, child और always sensitive to pain ना, तो इधर इधर हम discriminate नहीं कर सकते कि ये over sensitivity है pain की, ठीक है, वो बच्चे को तकलीफ है और द चाइल्ड इज ओनली एक्सप्रेस थ्रू वीपिंग, उसके पास और कोई दूसरा टूल ही नहीं है, है कि नहीं? मैग्नीशियम कहाँ में सर? फिजिकल्स में सर जब हम लोग जाते थे तो उसमें फिर हम लोग जलापा एक दवा है सर, वो बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। वो दिन रात रो रहा है दिन रात का मतलब नहीं है, नहीं रात दिन दोनों होता है सर, उसमें कोई जरूरी नहीं रात नहीं हो। हाँ तो ऐसा नहीं, तो वो कॉजलेस है ना, उसका वीपिंग कॉजलेस है सर, तो ए, वो था और दूसरी सेना, सीना नहीं थी, SENA सेना, ये दो दवाई। हाँ सीना थोड़ी थोड़ी आई है दवाई, बट सीना ने गोली खाई, सीना भी नहीं है। हाँ सीना एक्चुअली उसको मिला नहीं है, है ना, मैंने पहले सीना ही बोला था, बट उसको सीना मिला नहीं, ठीक है, सीना नहीं थी उसके पास, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत। मैडम कुछ कह रही थी, नहीं सर, सिनेपिस नाइग्रा नहीं, डायस्कोरिया नहीं, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, बच्चा रोता रहेगा, आप रुलाते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा काम, ठीक है ना, तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी डॉक्टर कभी भी कुछ भी कैच कर सकता है, तो यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं कि मतलब इवन मैं भी और भी केसेस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो हाउ टू यूज रिपर्टरी, हम लोग रिपर्टरी के मास्टर होने जा रहे हैं, और ये सब चीजें यूज नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ आप, है कि नहीं? ऐसे नहीं जाना है, हवा में नहीं घूमना है, और टू दी प्रिसाइज होना है हमको, ठीक है, कि ये जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है ना, तो फर्स्ट तो आपका जो टू द पॉइंट होगा दवाई वही काम करेगा, अदरवाइज इधर आप एब्डोमिन में फ्लैटस पासिंग एमेलोरेट्स, तीन ही दवाई है, तो ये काफी पिक्यूलियर सिम्टम है, ठीक है, क्योंकि चार ही रेमेडी है,
लेकिन अब हमारा एक उससे फेल हो गया तो फिर हमने कुछ और ढूंढा, ठीक है। तो आपको ढूंढना है, ढूंढने ढूंढो आप ढूंढो, और ढूंढना क्या है, ऐसे नहीं कहीं पे भी चल दिए, ठीक है। कंपास लेके चलना है तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, अदरवाइज भटक जाएंगे। और ये जो है ना हमारे पास, इसमें इतने सारे रूपरेख है कि भटकने वाले भी बहुत हैं। जैसे आप भटक रहे हैं, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। अभी मिला किसी को? एक 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 मैडम ने तो ढूंढ लिया है, वो बोलते बोलते रुक गई। ढूंढ लिया है किसी ने, ढूंढा है, मिला किसी को? आप तो नहीं है सर ये, देखिए एक रूपरेख है हमारे, नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा काम, देखिए ठीक है। अब देखो आप, अच्छे से सुनो आप, ठीक है। और रिपट्री खोल के रखिए, ठीक है। कौन कौन सी रिपट्री है आपके पास? कॉमन रिपट्री से काम नहीं बनने वाला आज, नहीं बनने वाला इससे काम। तो टूल मैं वही कह रहा हूं, जब हमारे पास है ही नहीं तो हम अप्लाई कैसे करेंगे? कंप्लीट डायनेमिक्स कितने लोगों के पास है? है सर, है, बोलिए, है हमारे पास, है ना? अरे सबके पास होना चाहिए सर, यस सर, यस सर, है। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सब लोग रखिए, इवन नया नया एडवांस, इवन मेरे पास भी नहीं है एडवांस वाला, ठीक है, तो मुझे रखना है वो, ठीक है, मेरे पास भी है सर, है ना? हाँ, तो भी नहीं ढूंढा आपने। आर डी चौहान सर के पास है, बताइए सर। सर एक ही रूबी का रही, वीपिंग फ्लैटस स्वीट, उसमें वेरेट्रम दिख रहा है, बाकी तो और कुछ तो यही है दवाई। तो वो तो कभी से मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा बोल लेने दीजिए सबको। अरे यही तो थी दवाई, देखिए आप ऊपर, उसके ऊपर एक रूब्रिक है, वीपिंग टीयरफुल मूड फ्लैटस इनकार्सिनेटेड विथ, है देखो। हाँ, उसमें सेना है सर, SEN सेना है उसमें, सीना मैंने उसको सजेस्ट किया था, पर सीना नहीं थी उसके पास, तो उसके नीचे ठीक देखिए आप, सब लोग देखिए, मिल गया होगा। चिल्ड्रन इन चिल ड्यूरिंग में भी वेराट्रम एल्बम आता है, तो चिल का स्टेट नहीं है ना, हीट है, चिल तो ये वाला स्टेट है, ये कोल्ड वाला स्टेट है, जहां पे इवन एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है, ये हीट है, उसको पेन है ना, समझा ना? तो कितना इजी था, कोई कठिन काम था इसमें? तो मैंने कितना सा सिंपल, वीपिंग फ्लैटस विथ, जब पेट में भरा पड़ा है फ्लैटस तो रो रहा है, इवन फ्लैटस पासिंग मैन, देखिए आप, मैंने ढूंढे थे कुछ और रूब्रिक इसके, तो मैंने तो बस यहीं से पकड़ के मैंने दे दिया चलो, और मेडिसिन ने काम कर दिया, तो इसका मतलब सिंगल रूब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल रूब्रिक सिंगल रेमेडी इंपॉर्टेंट है वो। देखिए ये कहाँ चला गया, अब देखिए हमारे पास एक वीपिंग टीयरफुल मूड जनरल पेन विथ, इसमें भी वेरेट्रम, वीपिंग टीयरफुल मूड जनरल चिल्ड्रन इन एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, इसमें भी एब्डोमिन पेन क्रैम्पिंग ग्रिपिंग फ्लैटस फ्रॉम, ठीक है, इन सब में भी इन, अब यदि हम ये पांच रूब्रिक लगाते हैं, एब्डोमिन पेन क्रैम्पिंग ग्रिपिंग बेबीज इन, तो कैमू मिला आती, उसके बाद लाइको, उसके बाद वेरेट्रम, ठीक है, बेला नक्स स्टेफ, इसके बाद बाकी रेमेडी सब बहुत दूर है, तो इन पांच में भी हमारी मेडिसिन आ जाती है यदि हम जनरल जनरल सोचें तो, ठीक है। तो वेरेट्रम देने के बाद नेक्स्ट डे उसका फादर का फॉलो अप आता है कि बच्चा बेटर हो गया, काफी बेटर हो गया है, सिर्फ 30, तो कितना इजी था। मैंने ये केस इसलिए मैंने बताया कि हमको सोचना क्या है, वही ये छोटी सी की, अब इतना सारा गुच्छा है हमारे पास, गुच्छे में से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको नंबर पता है तो फटाक से लगा लेंगे और ताला खुल जाएगा, है कि नहीं सर? आपने नो बोले इसलिए ग्रुप में डालिए ना प्लीज। हाँ मैं भेजता हूँ, वेरेट्रम किसी ने बोला था, एक सुनीता मैडम ने शायद बोला था सर, हमने बोले थे, आप भी बोली थी मैडम, वेरी गुड, यस सर। हाँ तो देखिए आया था फ्लैटस ऑब्स्ट्रक्टेड सिंथेसिस है मेरे पास,
flatus obstructed and flatus abdominal pain, flatus passing pain, ameliorated cramping pain. ये दो रूब्रिक लिए थे लेकिन वो वेरेट्रम जैसा लगा नहीं अभी वो. हाँ तो ये सारे जो रूब्रिक आपने लिए ना इसमें भी वेरेट्रम है चार पांच मेडिसिन के साथ. सर वो एक नंबर को वेरेट्रम ही आया था लेकिन ऐसे देखने के बाद वो सीना ही लग मतलब दिमाग में बैठा है ना इतना रो रहा है वेरेट्रम कैसा होगा. इसीलिए तो ये जो टूल्स है ना वेरी इंपॉर्टेंट रिपर्टरी जो आपको बता रही है दे दो क्योंकि इतने बच्चे में आप फील नहीं समझ सकते ना फील का क्या है इधर मामला. सर आपके पास कौन सा ये है मतलब. हाँ ये मेरे पास था ना रडार पुराना वाला है और ब्राउजर वर्जन कंप्लीट डायनेमिक्स है तो अभी काम चल रहा है मेरा है नहीं मतलब चला रहा हूँ काम. सर नए वर्जन में सर ये वाला जो रूब्रिक है ना. हाँ मैम बताइए जी. सर ये जो है ना फ्रॉम इनकार्सिनेटेड वाला वीपिंग टियरफुल मूड चिल्ड्रन इन फ्लैटस फ्रॉम इनकार्सिनेटेड तो इसको किस तरह से समझेंगे इनकार्सिनेटेड मतलब यहाँ पे क्या समझना है. वो मोर एप्रोप्रिएट रेमेडी थी पर नहीं मिली उसको वहाँ है ही नहीं अवेलेबल नहीं थी. इनकार्सिनेटेड वाला रूब्रिक बता दीजिए. कंप्लीट डायनेमिक्स खोलिए उसमें मिल जाएगा फ्लैटस इनकार्सिनेटेड वीपिंग टियरफुल मूड फ्लैटस इनकार्सिनेटेड विथ. सर भेज दी हूँ उसका पिक बस हाँ, मतलब उसको वैसे ही समझना है कि उसका पेट में गैस फंसा इसलिए इनकार्सिनेटेड इसलिए रोता है सिना मिला तो अच्छा होगा ना. हाँ और मतलब तो देखिए यही कह रहे हैं क्या मतलब है ना कि अब ऐसा नहीं है कि यदि वो नहीं मिल रहा तो आप और दूसरी जगह से नहीं एंट्री ले सकते है ना. आपको ऐसे नहीं कह रहे नहीं मिला तो बैठ गए कहीं से भी हमको हैंडल करना है. अब आप देखिए एक केस और मेरे पास था इन इन रूब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ जो सिंगल सिंगल होते हैं ये तो बहुत मतलब माइंड के साथ था ठीक है रो रहा है और एक फिजिकल के साथ था दोनों का कॉम्बिनेशन था वीपिंग टीयरफुल मूड्स फ्लैटस विथ पेट में गैस भरी है इसलिए रो रहा है ठीक है. और बच्चा कैसे एक्सप्रेस करेगा रो के तो देखिए आप उसने काम भी किया ठीक है. अब मेरे पास एक और केस था अब भी मैंने जस्ट सेंड किया यूट्यूब में उसमें ना इतना बड़ा फाइब्रोसिस्टिक डिसीज इतना बड़ा ट्यूमर ठीक है. अब देखो मैंने अभी आप सर्च करो फाइब्रोसिस्टिक डिसीज जिसने नहीं देखा है वो सर्च करे फाइब्रोसिस्टिक डिसीज पेशेंट का एक बार ऑपरेट हो गया दोबारा इधर आ गया इधर ऑपरेट हुआ तो इधर आ गया अभी कितनी बार ऑपरेट कराएगा मतलब तीन चार दो तीन ट्यूमर थे इतने बड़े बड़े दो छोटे छोटे थे एक बड़ा इतना बड़ा ट्यूमर था ठीक है. तो ये मेरा जो फ्रेंड है एलोपैथी प्रैक्टिस करता है उसकी कोई रिलेटिव है उसने मेरे पास भेजा तो उसने बताया उसने जब वो आई तो वो बहुत इनिशियल डेज का ये केस है तब मैं बहुत अच्छे से केस टेकिंग नहीं करता था जो समझ में आता था देता था. तो उस टाइम पे पेशेंट आया मैंने पूछा कि इसमें क्या तकलीफ होती है ना जो हम जनरल केस टेकिंग करते हैं तो उसने बोला दर्द होता है. अब दर्द कब होता है जब दबाती हूं छूती हूं तब दर्द होता है. मेडिसिन दिया 3 महीने रेगुलर मतलब 15 दिन देता था एक हफ्ते का पॉज लेता था फिर 15 दिन देता था फिर एक हफ्ते का ऐसे करके मैंने 3 महीने दिया है ट्यूमर गायब टोटल वापस अभी तक नहीं बना कोई ट्यूमर व्यूमर वो भी अकेली मेडिसिन है अकेली मेडिसिन. एक पेशेंट और रात को उसने खूब सारा गुटखा कई सालों से चबाया रात को इधर मुंह में एक ट्यूमर आ गया ठीक है भागा 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 मेरे क्लिनिक पर आके फटाक से बैठ गया. अरे पता नहीं ये क्या हो गया क्योंकि मैं गुटखा खाता हूं. मैंने कहा क्या हो गया रात को दवाई दिए सुबह ट्यूमर गायब फाइब्रोमा ऑफ माउथ. तो एक ये जो कई बार ये है ना जो एक सिंगल रेमेडी सिंगल रूब्रेक बहुत काम के हैं. ढूंढा उसका क्या क्या कौन सी दवाई है वो ट्यूमर वाला स्ट्रामोनियम सर. अरे बापा प्लेटिना क्यों इंजर्ड बाय सराउंडिंग नाइट ड्यूरिंग. ये कौन सा वाला केस ट्यूमर वाला कि ये वाला नाइट वाला सर नाइट वाला नाइट गुटका खाया था उसने
हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, वो बोलता है कि मेरे को इधर पर ट्यूमर है, मैंने कहा इसमें दर्द दर्द नहीं है, ठीक है, लेकिन रात को मतलब आई वॉज अमेज्ड दैट कि हाउ होम्योपैथी कैन वर्क फास्टली, इतनी फास्ट यार, कि अभी दवाई दी सुबह ट्यूमर गायब, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये सब काम करता है, ये जो हमारा रिपर्टरी में लिखा है ना, करता है काम। तो ये मैंने जो तीनों केस बताए, तीनों की सिंगल सिंगल रूब्रिक, सिंगल रेमेडी, ठीक है। ढूंढा किसी ने वो वाला ब्रेस्ट ट्यूमर वाला, किसी ने को पता चला? नहीं, लेकिन नहीं, इसलिए कहता हूं कि अपन जब ऐसे चलेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, हमको इसका सहारा लेना है। आपका यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, एक रूप भी कौन सा होगा, कौन सा वाला, ये वाला आवाज नहीं, ट्यूमर वाला, यूट्यूब में ट्यूमर वाला शायद पढ़ा है, ओपीएम नहीं, ओपीएम नहीं है वो, दोनों दोनों मैंने दोनों दोनों केस डाल रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब बताने का क्यों है कि आपके पास जब पेशेंट आता है तो ये नहीं आता कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं होम्योपैथी, वो पता है होम्योपैथी से ठीक हो जाती हैं। तो इवन जब आपको नहीं आता था, कुछ खास नहीं आता था, तब भी आप पेशेंट देख सकते थे, है ना, और इवन अभी भी नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को ये वाला विजयकर सर का प्रैक्टिस नहीं आया तो क्या मैं पेशेंट ठीक नहीं कर सकता, या माइंड मेथड नहीं आता तो क्या पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, होते हैं। तो ये इवन जनरल आइडिया ऑफ होम्योपैथी वो भी बहुत कारगर है, बहुत कारगर है। अब आप देखो आप इस रूब्रिक को ढूंढे, आप आया पेशेंट इतना बड़ा फाइब्रोमा लेके, इतना जो डेस्केट होता ना उसके बराबर आया, और घबराया हुआ सा, चेहरे में हंसी थी, देखो ये क्या है, और डरा हुआ सा, ठीक है, और मैंने कहा कि क्या दिक्कत है, बोला कि ये पता नहीं ट्यूमर हो गया है, कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है, है नहीं, और बस मैंने मेडिसिन दे दिया उसको, मैंने पूछा इस में कोई दिक्कत है, बोला कुछ नहीं, बस उठ गया है, ट्यूमर है, कोई दर्द वर्द नहीं है। एगेरिकस नहीं है, हाँ यदि आप माइंड से मत जाइए, मैं कह रहा हूँ माइंड से मत जाइए, रूब्रिक ढूंढिए ये वाला, ये तो आपने अभी डाला है इसमें यूट्यूब में, आर्ट आईओडी बताया, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, दूसरा है वो, नहीं नहीं, ये फाइब्रो वाला जो अभी रूब्रिक, हाँ फाइब्रोसिस्टिक है वो, मैंने लेडी के लिए बताया, ये माउथ वाला मैंने बताया ना। अच्छा अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको कि ये सारी एक्सरसाइज आप करेंगे ना, ढूंढने की एक्सरसाइज, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके नहीं, रूब्रिक ढूंढिए ना, रूब्रिक ढूंढिए पहले, चलिए रूब्रिक बताइए क्या होगा, हियरफुल माइंड छोड़ दीजिए, चलो आपको नहीं आता माइंड, हमको भी नहीं आता, ठीक है, अभी आप ऐसी स्टेट पे है जहां माइंड नहीं आता है कि नहीं, मैंने वही कहा कि यदि आपको माइंड नहीं आता तो क्या आपका मेडिसिन नहीं जाएगा, तो भी जाएगा, इसमें रूब्रिक आएगा माउथ ट्यूमर स्मॉल, हाँ माउथ ट्यूमर स्मॉल, स्मॉल लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम और अकेली लाइकोपोडियम, हाँ ठीक है और तो कैल्केरियन एट्रिक एसिड है, किसमें माउथ ट्यूमर पेनलेस परफेक्ट, कैल्केरियन एट्रिक एसिड पेनलेस है, मेरी रिपर्टरी में अकेली नाइट्रिक एसिड थी, उसको दिया मैंने नाइट्रिक एसिड, रात में एक डोज दिया, सुबह दोनों लिखा हुआ है लिखा, तो नाइट्रिक एसिड मेरे में नाइट्रिक एसिड अकेला था तो मैंने नाइट्रिक एसिड दिया, अकेला पेनलेस ट्यूमर इन माउथ, अकेला मेडिसिन नाइट्रिक एसिड जी, ठीक है, तो उसमें देखो फियर ऑफ कैंसर की बहुत अच्छी रेमेडी है नाइट्रिक एसिड, तो बैकग्राउंड में है उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है, लग रहा है कि लेकिन किस तरीके का लग रहा है वो पेशेंट, स्ट्रोमोनियम टाइप का, अरे एक हमारे पास रेमेडी है बोरान, यदि आपका नाइट्रिक एसिड फेल होता है, वो सॉरी कैल्केरिया फेल होता है
और आपका क्या कौन सा ये स्ट्रमोनियम फेल होता है, तो स्ट्रमोनियम और कैल्केरिया का बाप है बोरॉन, उसको और जबरदस्त वो टेंशन होता है, भागता फिरता है, क्लिंग करता फिरता है। तो मैंने कहा वही कहा कि यदि हम ऐसे डायरेक्ट फील्ड पर भी जाएंगे कई बार ना, तो यदि गड़बड़ होता तो हमको सारी आइडियाज पता होना चाहिए। अब भी देखो आप फाइब्रोसिस्टिक डिजीज अभी आप ढूंढेंगे तो ये कहां मिलेगा, पेनफुल ट्यूमर। तो डिफरेंट डिफरेंट रिपर्टरी, मेरे बताने का मतलब है डिफरेंट रिपर्टरी आपको यूज करनी है। एक रिपर्टरी हमारे पास कौन सी, मर्फी रिपर्टरी। देखिए आप, मैंने ये डाल दिया आपको, ये डाला ग्रुप पे डाला, देखें आप कहाँ चली गई, ये आ गया ला, ये पहुंच गया, देखा आपने, मिला ना, यस सर, मिला ग्रोथ सेंसिटिव टच, यस सर। तो ये लेडी ने मुझे वही बताया कि ऐसे दर्द नहीं होता डॉक्टर साहब, जब मैं छूती हूँ ना, जब मैं चेक करती हूँ या टच हो जाता है तो दर्द करता है। तो देखिए आप दोनों रूब्रिक में अकेली मेडिसिन आरसायोड, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आपको, हाँ ये मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि रिपर्टरी ना ये आपको बहुत अच्छी ऐसी चीज है कि जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट चीज देख सकते हैं। और देखिए मैं मतलब तीन बार मैंने अप्लाई किया, तीनों बार काम हुआ, ठीक है। तो आप भी यूज करके देखिए, फेलुअर फेलुअर होता है तो दूसरी तरफ से जाइए आप, है कि नहीं। इतना बड़ा ट्यूमर उसका गायब हो गया आरसेनिक आयोड से, और इधर हम एक घंटे का ओके स्टिकिंग लेते फिरते और कहो तो भी रिजल्ट ना मिलता, है कि नहीं। दिक्कत क्या है वहां से जाने में, वहां से भी देख लो आप, ठीक है। इतना सा ही था और तो बाकी हो गया, ठीक है। वो जो दूसरा बताया था सर ट्यूमर वाला माउथ में, जो बोला कि घबरा के बहुत बड़ा हो गया है, अभी क्या था, बड़ा कुछ नहीं था उसको ना, पता नहीं उसको, उसने अचानक से मुंह में देखा, ऐसे ऐसे करके देखा, उसको लगा कि अरे यहाँ तो ट्यूमर हो गया अचानक से, अब यहाँ पर क्या फील आएगा, एस्टोनिश्ड हो गया पेशेंट, घबरा गया, घबरा के भाग के आ गया। अब हम क्या देते यहाँ पे उसको, स्ट्रमोनियम देते और ये देते वो देते, शायद देते और होता काम नहीं होता नहीं पता, क्योंकि आज की प्रैक्टिस अलग है, ठीक है। तो ये 4-5 साल पुराना केस है, जब मैं माइंड मेथड में नहीं था, ठीक है। उसको उसको उस टाइम पे मैंने वही ढूंढा, जैसे इधर मैंने ढूंढा ये ट्यूमर ग्रोथ सेंसिटिव टू पेन और टच, है ना, ग्रोथ टच, तो आर्सेनिक आयोड मिला, उधर मुझे मिला पेन लेस ट्यूमर ऑन माउथ, उसको दर्द नहीं था ट्यूमर में। अकेली रिमेडी मेरे इस लैपटॉप पर थी, क्या, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो उसको कैंसर का बहुत भयंकर डर था, क्योंकि वो गुटखा खाता, उसको लगता है कैंसर हो गया, तो फियर ऑफ कैंसर नाइट्रिक एसिड में भी है। थैंक यू सर। मेरी एक कभी लेटेस्ट केस आया है, फीमेल के ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया था, तो उन्होंने तब तक तो नहीं था पेन, लेकिन अचानक ही पता लगा कि ट्यूमर है, और जब उन्होंने बायोप्सी करवाई उसके बाद कभी कभी तराटे मारता है दर्द, तो इसको क्या लेंगे फिर। अब अभी पेशेंट को जाइए आप, ठीक है। ये अब देखिए कि इसमें आपको बहुत सारी रिमेडी मिलेंगी, फेलुअर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अब हर बार आप आर्सेनिक आयोड देंगे तो फेल होगा, वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, कि हमारी होम्योपैथी स्पेसिफिक नहीं है। तो पेन है तो आप फिजिकल से जाना चाहते हैं, माइंड से ही जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको कंसर्न अडेप्टेशन रिएक्शन देखिए, वहां से जाइए, ठीक है। ये भी तो मैंने जो बताया आपको ना, कि ये ऐसे भी हम सोच सकते हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर, अगर हम माइंड मैटर से ना जाने चाहे, पैथोलॉजी के उससे जाना चाहे, तो पेन स्टार्टेड मॉडलिटी देखिए ना, हाँ, पेन स्टार्टेड आफ्टर इंजरी ना, तो ऐसे तो कोई रूब्रिक होगा नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कि पेन ट्यूमर ब्रेस्ट ट्यूमर पेनफुल, ऐसा करके देखिए और वो उसके मॉडलिटी देखिए, ठीक है। बट सर फिंगर, हाँ फिंगर के ज्वाइंट पे मस्सा है, एक पेशेंट है जो बहुत दिन से कुछ भी नहीं बोल रहा, बट अभी उसको अब लग रहा है कि इसमें जान आ रहा है, पहले तो इसमें जान नहीं था, अब इसमें मुझे लग रहा है कि अंदर अंदर इसमें नर्स हो रहा है, इसमें जान आ रहा है, तो ऐसा उसको अब फियर नहीं है, बट ये कंसर्न है उसका कि अब इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इतना दिन से साल भर से कुछ भी उसको नहीं था, हाँ, तो फियर भी नहीं है,
ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो ऑपरेशन का क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करा लेते ऑपरेशन, ऐसे क्वेश्चन वो... हाँ 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 उसका बहुत अच्छा आंसर है। और उसने बोला कि मैं ना बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब सेंसिटिव मतलब तो मैं अपने आप को बहुत बचा के रखता हूँ, कहीं कटे नहीं, कहीं चोट नहीं लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा भी कुछ होता है तो मेरे अंदर तक जाता है मतलब। तो मैं बोली कि आपको ऐसा लगता है बहुत फ्रेजाइल हूँ, ना फ्रेजाइल नहीं बट मुझे, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे थोड़ा भी टच इंजेक्शन तो मतलब। क्यों ऐसा पूछ रही हैं आप, फ्रेजाइल हो? नहीं वो उसने खुद ही बोला कि मैं, हाँ सेंसिटिव वर्ड बोला उसने, तो मैं थोड़ा कंफर्म की कि खुद ही बता रहा है ना आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, वो तो कहेगा ना, वो उसको क्या मालूम फ्रेजाइल का मतलब क्या है। ठीक है ये तो आपको समझना है, वो फ्रेजाइल ही है ना, डेलिकेट है वो। हाँ 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 ना टेनम वगैरह दे सकते हैं क्या, काफी बड़ा हो गया चना का मतलब, चना लाल चना 200 दीजिए ना, 200 वीकली डोज दीजिए, एक डोज में ही, दो डोज में ही काउंट निकल जाए। थैंक यू। हो गया अब ठीक है, बंद करें। बहुत अच्छा केस था। तो ऐसे ही ढूंढते रहिए, सोचते रहिए तो सब मिलता है, नहीं ढूंढने की हवा में नहीं ढूंढने का है। ठीक है उसके पीछे एक लॉजिक लगाइए फिर ढूंढिए, मिल ही जाएगा, वो मिल जाता है। सर मर्फी रिपर्टरी इम्पोर्टेंट है सर? अरे बहुत इम्पोर्टेंट है मर्फी रिपर्टरी, उसमें कम है लेकिन हाँ क्लिनिकल चैप्टर है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल चैप्टर है ना। देखिए इम्पोर्टेंट सब है, कौन सा कब काम आता है, किसके काम आता है, कैसे काम आता है, ठीक है ये सब बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है अब जैसे मैं आर्सेनिकाई और दूसरे पेशेंट को दूंगा तो जरूरी नहीं कि वो ठीक हो जाए, बट हमारे दिमाग पे ये रहना चाहिए कौन सा पेशेंट ठीक हुआ है उससे, तो फिर उसके बैग जाके आप स्टडी कर लें कि उसमें ऐसा क्या था, हो सकता है और वो वापस मिला नहीं दोबारा कभी पेशेंट, तो अब मैं डिटेल में समझता उसको कि और क्या था उसका आर्सेनिकाई और जैसा, क्योंकि यहाँ पर दो रिमेडी है आर्सेनिक और आयोडेटम है नहीं, तो अकेला आर्सेनिक नहीं है वो पेशेंट इसका मतलब। ठीक है तो ये छोटा सा केस था, छोटी सी लर्निंग के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, मेहनत भी अच्छी करी है, पर हाँ सर छोटी सी केस नहीं है सर। हाँ, लेकिन देखिए प्रेशियस लर्निंग था ये कि एक रेपर्टरी में नहीं मिलता है तो दूसरी रेपर्टरी में भी देखना है। हाँ बिल्कुल ढूंढना है हमको, सबसे बड़ी ढूंढना है, नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे आधार बेस बगैर बेस जाएंगे कुछ भी जाएगा। फिर देखिए कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप देखिए वो एक टूल को पलटा देता है कि नहीं, तो इसका मतलब आप देखो आप ये छोटे बच्चे का तकलीफ छोटी सी दवाई छोटी सी सेटल कर दिया है कि नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट बीइंग होमलेस। है कि नहीं? Yes, sir. तो हमारी बहुत वैल्यू है, मार्केट की कीमती है, हम लोग ऐसे काम करेंगे तो बहुत कीमत है हमारी, मतलब हमारी सिस्टम की कीमत है, हम जैसे उसको कितना एप्लीकेबल कर सकते हैं, कितना रेप्लीकेबल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर रहेगा सर। हमारा एक 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 सर्जन सर है ना, सर्जन सर था तो कहा था हमारा पास डॉक्टर है मेडिसिन नहीं है, और तुम्हारा पास मेडिसिन है डॉक्टर नहीं है। परफेक्ट कहा था उन्हें, परफेक्ट कहा था कि डॉक्टर नहीं है मेडिसिन है, तो ये हम लोगों को बनना है वो डॉक्टर है कि नहीं। तो होम्योपैथी में हमारे पास ऐसा है कि एलोपैथी में कितना भी अफोर्ड करें उनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब वो सीज हो गए हैं, उसके आगे नहीं जा सकते वो लोग, हमारे पास तो इतना है कि मत पूछिए। ठीक है
तो बाइंड करें, थैंक यू सबको, गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया केस था, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सबको नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने रेपर्ट्री का लोकेशन सेट कैसे करना है वो सिखाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आलोक सर, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट सर.